अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दलहीम की रेसिपी, जिसे हलीम भी कहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हलीम के लिए जिन दालों की हमें ज़रूरत है, चने की दाल लेंगे हाफ कप, माश की दाल लेंगे हाफ कप, हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप लाल मसूर की दाल, हाफ कप हरहर की दाल, हाफ कप चावल और एक कप इसमें जौ का जाएगा, एक कप गंदम का। इन दोनों को अच्छी तरह वॉश करके हम दोनों को इकट्ठा सोक कर लेंगे ओवरनाइट के लिए। और इन दालों को, सारी जो हमने ली हैं, इनको हम इकट्ठा वॉश करके और इनको भी हम सोक कर लेंगे। देखिए अब हमारी दालें जो मैंने रात भर भिगो के रखी थी, ये गंदम और जो, ये कितना अच्छी तरह फूल गया है। इसी तरह आपका बिल्कुल नरम होना चाहिए। देखें हाथ लगाने से ये देखें पिस रहा है इस तरह, और दालें भी आपकी इसी तरह नरम हो जाएंगी। अब हम इनको एक बड़े देचके में डालेंगे, 2 लीटर पानी डालकर उसको उबाल लेंगे। पानी को हल्का सा मैं दिखाती हूँ, मैं सारी दालें शामिल कर दूंगी। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी। मैंने सारी जो गंदम और दालें सारी मिक्स कर ली हैं। अब इसको मैं ढककर लो फ्लेम पर 1 से 2 घंटे के लिए पका लूंगी, ताकि ये दालें अच्छी तरह गल जाए। चने हम अब गोश्त तैयार कर लेते हैं हलीम के लिए। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 kg हम बीफ लेंगे, इसके साथ हम 6 से 5 अदद बोन्स लेंगे, 2 बड़े लार्ज साइज़ के प्याज ले लेंगे, 9 से 8 हम जवे लेंगे लहसुन के, और 2 टुकड़े हम अदरक के ले लेंगे, और 3 अदद हरी मिर्चें, 1 कप ऑयल ले लेंगे, 2 खाने के चम्मच हम लाल मसाला लेंगे, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे हल्दी का, और 1 टेबल स्पून नमक। गरम मसाले में हम साबुत जो मसाले लेंगे, इसमें हम लेंगे 1 अदद जायफल, 1 अदद जावित्री, छोटे टुकड़े हमने ले लेने हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 2 अदद हम बड़ी इलायची लेंगे, 2 स्टिक्स लेंगे दालचीनी की, 1 टीस्पून लौंगे, 1 बादियान का फूल और ज़ीरा 1 टीस्पून, और 2 अदद हम तेज़पात के ले लेंगे। अब आप ये लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे, और ये जो गरम मसाले हैं इनको आप हल्का सा रोस्ट कर पाउडर बना लेंगे। तेज़पात के पत्ते आपने इसमें नहीं करने रोस्ट, वो अलग हम निकाल लेंगे। अब हम एक कुकर ले लेंगे, इसमें अंदर 1 कप हम ऑयल गरम करके इसमें हम प्याज शामिल करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब देखें हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपना मीट शामिल करेंगे, बीफ का। आपने इस तरह टुकड़े बड़े बड़े, थोड़े से बड़े रखवाने हैं, इससे रेशे अच्छे बनते हैं। ऐसे आपने शामिल कर लेनी है हड्डियाँ भी और गोश्त भी। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सारे मसाले शामिल कर देंगे और तेज़पात के पत्ते भी, और जो हमने गरम मसाला बनाया था ये भी हाफ हम इसके अंदर डाल देंगे, हाफ हम बचा लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर, इसको बुनाई हमने कर ली थी, अब हम इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल कर लेंगे और कुकर को हम चला लेंगे।
20 मिनट तक आपने इसको पकाना है। अब हमारे गोश्त को गलते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं जो मैंने लो फ्लेम पे पका लिया था इसको। अब हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं। ये देखें, ये भी पक गया है। गोश्त आपका बिल्कुल नरम होना चाहिए कि हाथ लगाते ही ये टूटे। ये देखें, ऐसे रेशे रेशे होने चाहिए। हाथ से भी आप करें तो इस तरह नरम होना चाहिए। अब हम इसमें से जो बोन्स हैं उसको अलग कर लेंगे और इसको हम बोटियों को भी रेशा रेशा कर लेंगे। अब हमारी दालों को पकते हुए 2 घंटे गुजर गए हैं। मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ था। अब देख लेते हैं इसको हम। ये देखें, माशाल्लाह ये फूल गई है सारी। ये देखें, इस तरह आपने इनको पका लेना है। बिल्कुल ये नरम होनी चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल नरम है दालें। अब हम टिंट करना है तो आप इसको जूसर ब्लेंडर में ठंडा करके ब्लेंड कर लें। ऐसे हम सारी दालों को पीस लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पीसा है। अब देखिए इसमें हल्के हल्के आपको नजर आ रही हैं दालें, बिल्कुल हल्की हल्की सी, इस तरह आपकी होनी चाहिए। और मैंने जो गोश्त को भी मैश कर लिया था अच्छी तरह से। ये देखें, रेशे रेशे हैं। अब इसको भी सालन के साथ मैंने मैश किया था। अब इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह घोट लूंगी, मिक्स कर लूंगी इसके अंदर। स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपकी हलीम थोड़ी गाढ़ी है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह और पका सकते हैं और नमक भी चेक कर सकते हैं इसी दौरान, जब तक ये अच्छी तरह, ये देखें, ये ऐसे आपकी रेशे रेशे बनेंगी। अब हम इसके अंदर ये गर्म मसाला जो बचा हुआ था हमारा, ये डाल देंगे और चाट मसाला। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम चाट मसाला डालेंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट और इसको हम करेंगे। चूल्हा आपने मीडियम रखना है, तेज नहीं करना। ऐसे आपने इसको घोटते रहना, यूं घुमा घुमा कर। ये देखें, अब हमारी हलीम तैयार हो गई है। इसके कितने अच्छे रेशे बन गए हैं। ये देखें, ऐसे ही आपकी हलीम होनी चाहिए। दालें भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए हम घी लेंगे। ऑयल में भी आप तड़का लगा सकते हैं। इसके अंदर प्याज डालेंगे 1 मीडियम साइज की। और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। अब हम इसको इस तरह तड़का दे देंगे। मैंने तड़के के अंदर 2 टीस्पून लाल मसाला भी डाला है, इससे जरा कलर अच्छा आ जाता है। ये देखें, ऐसे आपने भगार देना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी रेसिपी दलीम की, हलीम की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। ये बहुत ही मजे की बनी है। देख सकते हैं आप कितने रेशे रेशे बनी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी बनाए आप, और इसको आप सर्व करें। जो मैंने चीज़ें काटी हैं, धनिया पुदीना लेमन के साथ, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लें आप तो इसके साथ आप खाएं, नान के साथ खाएं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, मेरी रेसिपीज, मेरा चैनल, तो उसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।